एंड द स्टोरी दैट आई बी टेलिंग नाउ, बहुत पहले की बात है, पुराने जमाने की बात है, जब गुरुकुल हुआ करते थे। तो दो बालक थे, दो बच्चे थे जिनको गुरुकुल में जाना था पढ़ने के लिए। तो गुरुकुल एक बहुत ही जंगल के बीचों बीच था, और गुरुकुल में, गांव से गुरुकुल में जाने के लिए आपको पूरा भयानक जो जंगल था उसे क्रॉस करना था, एंड बीच में खाई भी पड़ती थी, बहुत सारी वहाँ पे प्रजाति भी रहती थी विच वॉज नॉट वेरी फ्रेंडली विथ ह्यूमंस। बहुत सारे चैलेंजेस को क्रॉस करके आप वो बच्चों को गुरुकुल में पहुँचना था। तो वो निकलते हैं अपने घर से, थोड़ा खाने का सामान लेके, थोड़ा सा मटके में पानी लेके वो निकलते हैं। और जैसे ही वो जंगल शुरू होने से पहले वहाँ पे एक बूढ़े आदमी होते हैं, तो उनसे पूछते हैं कि गुरुजी जैसे दिख रहे होते हैं, गुरुजी आप बता सकते हैं कि गुरुकुल का रास्ता किस तरफ पड़ता है? तो गुरुजी बोलते हैं कि जी मैं बिल्कुल बता सकता हूँ, आप वो गुरुकुल में पढ़ने जा रहे हैं? तो बच्चे बोलते हैं हाँ। तो वो गुरुजी कहते हैं कि आप चलिए मेरे साथ, बस मैं ये थोड़ा मेरा काम है, मैं जो लकड़ियाँ काट रहा हूँ वो मैं अपना काम कर लूँ, उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा टाइम लग गया, एक पहर लग जाएगा। तो बच्चों को जल्दी थी पहुँचने की, गुरुकुल पहुँचने की। तो वो बोलते हैं कि नहीं गुरुजी, आप सिर्फ हमें रास्ता बता दीजिए, हम अपने आप ही चले जाएंगे। तो गुरुजी कहते हैं ठीक है बेटा, लेकिन जंगल बहुत भयानक है, बहुत जंगली जानवर मिल सकते हैं, आप रास्ता भटक सकते हो, बहुत सारी बाधाएं भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे जो प्रजाति रहती है वो हम इंसानों से ज़्यादा वो फ्रेंडली नहीं है। फिर भी बच्चे कहते कि नहीं गुरुजी, आप हमें रास्ता बता दीजिए, हम अपने आप ढूंढ लेंगे। तो गुरुजी उनको रास्ता बताते हैं, आप ऐसे जाइए, फिर वहाँ से राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, बताया, सब कुछ बताया। और फिर वो बालक जो है गुरुजी के पैर छूके फिर अपने रास्ते पे निकल जाते हैं गुरुकुल पहुंचने के लिए। थोड़ा ही आगे पहुंचते हैं तो वो रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि जंगल में हर डायरेक्शन आपको एक जैसा लगता है, राइट? वहां पे कोई डायरेक्शन या बोर्ड नहीं होता, राइट जाइए, लेफ्ट जाइए, स्ट्रेट जाइए। तो वो खो जाते हैं, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है इवेंचुअली उनको कौन सी दिशा में जाना है, और उनको एनिमल्स के, जंगली जानवर के आवाज भी सुनाई देने लग गए। तो वो लोग डर गए और वहीं बैठ गए। एक पहर गुजरा तो दूर से उन्होंने देखा कि गुरुजी लकड़ियां लेके आ रहे हैं। तो गुरुजी ने उनको देखा बैठे हुए, बड़े सहमे हुए बच्चे थे। तो गुरुजी ने पूछा, अरे आप लोग यही हो, आप पहुंचे नहीं, मुझे लगा आप अब तक पहुंच गए होंगे। तो वो दो बच्चे थे उन्होंने बोला कि नहीं गुरुजी, हम तो रास्ता भटक गए, यहाँ से हमको समझ में ही नहीं आया कौन सी दिशा में जाना है, तो हम तो यहीं रुक गए, क्योंकि आवाज़ें भी बहुत सारी आ रही थी जानवर की, तो हम तो डर गए। तभी गुरुजी कहते हैं कि इसलिए मैं आपको कह रहा था कि भले थोड़ा समय लगे बट आप मेरे साथ चलिए, अगर मेरे साथ चलेंगे तो मुझे पता है जब भी कोई बाधा आएगी मैं आपके आगे खड़ा हो जाऊंगा, और मुझे पता है वो चीज़ को कैसे डील करना है, तो मैं आप पर वो बाधा आने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं सालों से ये रास्ता इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा हर रोज का रास्ता है, मुझे दिक्कत नहीं आती है, दिक्कत आती है तो भी मुझे पता है कैसे डील करना है, इसलिए मैं कह रहा था कि आप मेरे साथ चलिए। और फिर धीरे धीरे दो बच्चे गुरुजी के पीछे चलते हैं, और थोड़ी देर के बाद वो गुरुकुल पहुंच जाते हैं। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू हैव अ मेंटर एंड गाइड इन आवर लाइफ। दिस स्टोरी शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर इन आवर लाइफ। जिन्होंने पहले कुछ किया है, अचीव भी किया है, कैसे सारी चैलेंजेस पार करके सब अचीव किया है, द गाइड विल गाइड यू, द मेंटर विल गाइड यू ऑन द राइट ट्रैक, ही विल हैंड होल्ड यू एंड टेक यू ऑन द डिजायर्ड वे दैट यू वांट टू, ही विल क्रिएट अ रोड मैप
दैट विल बेस्ट सूट फॉर यू एंड ही विल इवेड ऑल द चैलेंजेस दैट ही नोज विल बी कमिंग. दैट मेंटर कुड बी एनी अ स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके कोई टीचर या लेक्चरर जो कॉलेज में है वो हो सकते हैं, आपके फैमिली में से कोई हो सकता है, लेकिन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मेंटर इन लाइफ हु कैन गाइड यू इन द राइट डायरेक्शन, सो दैट वो जो कठिनाई आती है ना, वो जो कठिन रास्ता है जिसे देख के हम रुक जाते हैं, चैलेंजेस देख के हम पीछे हट जाते हैं, वो नहीं होगा. यू विल भले धीरे धीरे बट आप आगे बढ़ते रहोगे. सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटर इन लाइफ.